मैंने सी एस एस में फाइल इसको सेव किया, मैं सी एस एस टू के नाम से उसको सी एस एस वन को सेव एज किया। तो ये हमारे पास सी एस एस टू है, इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब इसमें आपने मुझे कहा कि ये आपने कैसे लिखा शू 10% ऑफ इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया कि जो कुछ हमने लिखना था जहां पर हमने उसी क्लास बना ली। अब इस माई क्लास वन को मैं जहां जहां पे यूज करूंगा, लेट से मैंने इसी में नीचे ऐसे करके लिखा स्पैन, वही बात दोबारा लिख ली, क्लास इज इक्वल टू माई क्लास वन, और इसको मैंने ऐसे करके क्या कर दिया स्पैन। इसको मैं सेव करके रन करता हूं तो वो चीज मुझे दोबारा मिल गई। अब आने मुझे कहा कि सर देखिए, ये जो आपने क्लास है इसको बार बार अगर यूज करें तो वही स्टाइल रिपीट होता है। मैं कहा सारे क्लास का काम ही यही है, इसका मकसद है कि हमें हर बार नए स्टाइल के लिए न्यू क्लास बताइए। हम एक क्लास को जब दोबारा यूज करते हैं तब वो उसका स्टाइल जो है वो, आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं किसी खास जगह पर इंस्टेंटली वो स्टाइल लगे, क्लास बार बार ऊपर जाके डिफाइंड। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, आपने सिर्फ एक मर्तबा किसी एक जगह पर इसको ये कोई बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है ऑफर, आप इसको बस एक मर्तबा बताना चाह रहे थे कि इसके लिए आपने कहा कि हम क्या क्लास डिफाइन करें जस्ट इस एक वर्ड के लिए, वो ऐसी क्लास जो कि डिफाइंड हो कि यूज रीयूज। मैंने कहा नहीं, अच्छा तो नहीं लगता, तो इसके लिए हम ये करेंगे आज के बाद कि स्पैन यूज करेंगे, स्पैन का स्टार्ट सब कुछ सेम ही करेंगे, नई बात नहीं है, स्पैन का एंड करेंगे, लेकिन हम इसके अंदर जो स्टाइल यूज करेंगे वो सीएसएस का वो इनलाइन स्टाइल होगा। हमारे पास सीएसएस जो है वो बेसिकली हमारे पास जो सी एस एस है जो हमने अब तक पढ़ी हुई है वो एम्बेड सी एस एस है, इसका पार्ट है। दूसरी जो सी एस एस है जो हम पढ़ने लगे हैं वो इनलाइन सी एस एस है, और जो थर्ड है वो लिंक सी एस एस है। इनलाइन सी एस एस हम क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या मामला है, इसको देखते हैं। यहां पर अब आप यहां पर आज फर्स्ट टाइम स्टाइल की टैग लिखेंगे, स्टाइल कलर रेड, मैंने वो ब्रेसेस लगाई थी इसको हटा, अब देखते हैं क्या। अच्छा मैंने देखा थोड़ा सा फर्क पड़ा है, फॉन्ट कलर चेंज हुआ, इसका मतलब यह है कि एक बात पता चली, जब भी स्टाइल यूज करेंगे हम टैग के अंदर तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, कलर रेड हो गया। अब हमने जो स्पैन ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है उसको हमने क्या कर दिया, ओवर उसके स्टाइल को ओवरराइड कर दिया। मैं मिसाल देता हूं आपको, ये स्पैन यूज किया, अब देखिए जो बात हम बताना चाह रहे थे, ऑफर का कलर रेड है। क्यों उसका कलर रेड है ऑफर का, क्योंकि ये इन लाइन के थ्रू हमने रेड किया है। अब हम इन लाइन के थ्रू जाके इन लाइन स्टाइल में जो जो स्टाइल लिखते जाएंगे, फॉन्ट साइज 30 पॉइंट कर दें, पिक्सल काफी छोटा हो जाएगा, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा, खैर कोई बात नहीं, तो हमने देखते हैं इसमें से, ये देखें इसका साइज इसने, दिस इज इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल वो होता है जो किसी भी टैग के आगे स्टाइल के टैग यूज कर लें। अच्छा यहां तक हमें समझ आ गई, जो मैं ऐसे कट किया था बेशक वो दोबारा पेस्ट कर लें। चले अब एक प्रॉब्लम आ गया, मैंने ये स्टाइल का टैग डिफाइन किया है, मेरे वेबसाइट में 10, 20, 15 पेजेस हैं। एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं ना, सेल्स का, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, क्या मैं हर एक में जहां पर मेरा H1 एक स्पेसिफिक है पैराग्राफ, क्योंकि मेरे तमाम पेजेस देखने में जैसे होंगे ना, बताइए
अमूमा तमाम पेजेस का थीम एक जैसा होता है ना, तो क्या मैं तमाम पेजेस में इस वाले स्टाइल को कॉपी पेस्ट करूंगा? क्या मैं 15 टाइम्स इस वाले कोड को रिपीट करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा? गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वाली फाइल को पहले सेव एज करूंगा CSS3 के नाम से, इसको मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। ज़ाहिर है सेम ही आउटपुट आएगा, कोई फर्क तो नहीं आएगा। ये देखिए ये आउटपुट आ गया, यहां सिटी लिखा हुआ है, यहां पे हम लिख देते हैं CSS3 ताकि याद रह जाए। ये देखिए अब मैं इसमें से ये तमाम के तमाम जो स्टाइल्स हैं पूरे के पूरे कट कर रहा हूं, सेव करके दोबारा रन कर रहा हूं, तो मुझे क्या नजर आया बताइए, ये गौर से देख के बताएं क्या नजर आया। एम्बेड स्टाइल हमने डिलीट कर दिया तो क्या बच गया? इनलाइन। पता चला इनलाइन वो स्टाइल है जो लाइन के अंदर होता है, मजबूरी होती है, फिक्स होता है, एब्सोल्यूट होता है, वो लग गया। अब ये जो स्टाइल मैंने डिलीट किया है, मैंने 15-20 पेजेस में इंपोर्ट करना था, लिंक करना था। अब हम लिंक CSS देख रहे हैं, मैं बड़ी समझदारी से क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा, सारे स्टाइल वहां पे जाके क्या कर दूंगा, होर्स देखते रहना आसान है वो। अब इस वाली फाइल चूंकि CSS की फाइल है, इसको मैं CSS के नाम से सेव करूंगा। लेट्स से मैं इसका नाम रख दूंगा माई स्टाइल्स डॉट, एक्सटेंशन क्या होगी CSS। अब मैं अपनी फाइल में वापस आऊंगा और फौरन रिफ्रेश करूंगा, स्टाइल अप्लाई नहीं होंगे। हालांकि जल्दी आने का मतलब ये नहीं होता काम हो जाएगा, आप तो ये समझे थे ना खुशी है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, काम तरीके से होता। तो क्या ख्याल है? तो आपने सुना हुआ ना, लुक बिजी डू नथिंग, सुना? अच्छा जी, तो हम ये इनलाइन हमने क्विक सा क्या किया, जल्दी से बताएं, स्टाइल्स को अलहदा से सेव कर दिया, वापस है, हमें फौरन रिफ्रेश प्रेस किया, लेकिन हमारा लिंक स्टाइल अगर बार बार प्रेस करें तो तब भी नहीं मिलेगा। अब हमने यहां पे लिख दिया लिंक, लिंक का स्टार्ट और ये लिंक का एंड, ये सिंगल लाइन होता है लिंक का एंड, इसमें ऐसा ही होता है जैसे मैंने किया है। अब आप इसको बताएंगे कि जो रेलिवेंट चीज है, रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट है, वो जो हमें इंपोर्ट लिंक करना है, इंपोर्ट है लिंक करना है, उसका नाम क्या है? स्टाइल नहीं, नहीं नहीं, वो एक स्टाइल शीट है, जो चीज हमने लिंक करनी है उसकी टाइप क्या है? अब आप उसका हाइपर रेफरेंस दे दें, एच उसका नाम बता दें, क्या नाम था उसका? माय स्टाइल्स है डॉट CSS, इसको सेव करें। ओ हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि हमने लिंक के थ्रू, अभी आपने एक इंडेक्स की फाइल खोली थी उसमें आपको लिंक नजर आया था, तो वो लिंक यही वाला था। ये देख इन्होंने लिंक के थ्रू क्या किया हुआ है, इन्होंने इसमें कहा जो हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है, अभी हमने बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया, हमने बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया, लेकिन हम आज जब CSS टेम्पलेट्स देखेंगे तो उसके फौरन बाद हमारा दिल करेगा बूटस्ट्रैप, हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स फ्री लिखेंगे। तो हमारे जो फाइनल के प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसमें बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट्स यूज करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़े से इसमें जावास्क्रिप्ट सब में एम्बेडेड होती है, अब आपको जिस तरह का चाहिए इसमें हर तरह का, आप जस्ट थीम आप अपनी टाइप लिख के सर्च करें, देखिए लिखी हुई है कईयों की टाइप्स लिखी हुई है, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं फ्री है, देखिए लिखा हुआ है फ्री, ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये भी फ्री है। रेस्टोरेंट पे क्लिक करें आप, आ गया, और ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड, डाउनलोड करें, ये डाउनलोड हो गया। अच्छा और कौन सा है मुझे बताइए, दोबारा इधर ही चलते हैं, और भी वेबसाइट्स हैं, खैर छोड़ो,
ई कॉमर्स फलां 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 मेडिकल, अगर आप सर्च कर लेंगे ना इसकी टाइप, तो आपको आपका जो प्रोजेक्ट है वरना यहाँ से आपको आइडिया भी मिल जाएगा। क्या ख्याल, ये भी बेशुमार इसकी कैटेगरीज हैं। तो क्या ख्याल है, एक को भी यहां से डाउनलोड कर लें? कौन सा वाला? ये वाला कर लें। बताइए, चलें ये कोई फर्नीचर पता नहीं क्या चीज है, ये देख लेते, ये डाउनलोड ना हो। दो डाउनलोड हमने यहां से कर लिए। अच्छा, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। यहां से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये डायरेक्शन जो है ना, ये इन्होंने भी किए हुए हैं। तो ये आप इस तरीके से जो आपके हैं, लेट्स से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्लिक किया, फ्री डाउनलोड, ये डाउनलोड, अब तीनों डाउनलोड हो गए हैं। बस अब आपने यहां पर जाना है, एक बार डाउनलोड हो जाए तो इनको बिल्कुल उसी उसी तरीके से आपने, इसमें और सीएसएस में फर्क है, इसमें जावास्क्रिप्ट एम्बेडेड है और सीडीएन है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, अभी आगे जाके बात कर लेंगे। तो इसके लिए इंटरनेट बूटस्ट्रैप के लिए कुछ जरूरी होता है। सीएसएस बेस्ड टेम्पलेट्स में अगर इंटरनेट ना भी हो चल पड़ता है, बूटस्ट्रैप बेस्ड टेम्पलेट्स में इंटरनेट जरूरी होता है। वो आगे जाके जरूरी नहीं होगा, फिलहाल जरूरी होता है। अच्छा, मुझे रेस्टोरेंट एजू और रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट और ये मैंने तीनों अपने पास पेस्ट कर लिए। अब मैं इनको पहले की तरह क्या करूंगा, ये देखिए, बस कुछ नहीं, यहां चलते हैं अपने पास, अपने लोकल होस्ट में चलते हैं और वहां चल के हम सिंपली इसको फाइंड आउट करेंगे और दैट्स ऑल। ऊपर है, ये फोल्डर में फोल्डर था। तो ये देखिए, ये जो आप चाह रहे थे ना, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट, ये देखिए, ये जावास्क्रिप्ट, अभी हम सारा काम ने पढ़ना है फिलहाल आपके लिए। देखिए ये मेन्यू आ गया, दोबारा इसको करेंगे तो ये मेन्यू खत्म हो गया, ये मेन्यू इस तरीके से, ये देखिए, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड डायनेमिक है। ऐसे ही अगर हम मजीद दूसरा तीसरा देखें, कौन सा है, ये था ईडीयू सेंटर। ये देखिए, अभी आपको जावास्क्रिप्ट नजर आ रहा होगा ऑटोमेटिकली, अबाउट कोर्सेज इवेंट्स ब्लॉग्स डिफरेंट पेजेस जो आप ऑन करना चाहें, खुद बना लें अपने पेजेस। तो मकसद ये है कि आपको ऐसे ही थर्ड रेस्टोरेंट, तो ये देखिए आपके रेस्टोरेंट का एक और अबाउट अस, इसका कोई पेज है, ये इसका अबाउट अस का अलग से पेज बना हुआ है, ब्लॉग का पेज भी अलग से है, मेन्यू का पेज,
बी अलहदा से, बहुत सारे पेजेस मैं नीचे नहीं कर रहा इसका, वो काफी कुछ उन्होंने जाहिर किया होता है न्यूज। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि इतना कुछ बना बनाया तो हमें काम करने की जरूरत ही क्या है, क्या ख्याल है? ये आपने एडिट करने हैं इसको, आपका जो फाइनल का प्रोजेक्ट है ना, यानी कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट, यहां से आप एक रिच टेम्पलेट तक बूटस्ट्रैप बेस्ड या सीएसएस बेस्ड अगर चाहे तो, क्या ख्याल है? उसके साथ ही मैं आपको मशवरा दूंगा, आप यहां पे लिखें बूटस्ट्रैप। अब यहां पे आपने लिखना है बूटस्ट्रैप, लेट्स से लॉग इन फॉर्म, आपने पहले बनाया ना लॉग इन फॉर्म। आइए देखते हैं दुनिया कहां पहुंची हुई है। यहां पे हमने क्लिक किया, हमें लॉग इन फॉर्म बने बनाए नजर आ रहे हैं, लेट्स से हमने क्लिक किया। लेट क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टेक्निकल है, गौर से देखिएगा, ये लॉग इन फॉर्म है। अब मुझे ये चाहिए तो कितना टाइम रह गया सब बारह, अब मैं इसके इसका कोड डाउनलोडेबल नहीं है जो मुझे नजर आ रहा है। इन्होंने इसका कोड दिया हुआ है HTML और CSS, ये इसका प्रीव्यू है। तो आप इसके HTML पे जाएं और कंट्रोल ए करके कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, यहां पर आएं और यहां पे आके आप क्या करते हैं कंट्रोल वी, इसको सेव करें और यहां पे आप अपना एक बना लें, इसका नाम रखते हैं माई लॉग इन पेज डॉट HTML। अब आप देखिएगा क्या होता है, मैंने इसको इधर गया, यहां जाके मुझे जाना चाहिए था, कहीं और पहुंच गया हूं मैं, ले देखें माय नहीं आ रहा थी देर से, ओहो कहां गया, ये देखें हमने इसको क्लिक किया, हम बहुत खुश थे लेकिन हमें अफसोस हुआ कि हमारा आउटपुट वैसा, क्योंकि हमने CSS को इंपोर्ट नहीं किया। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, सही है। अब यहां पे आके CSS को अलग से क्या कर दें, पेस्ट कर दें, ऊपर देखें से CSS की इंपोर्ट की तो नहीं हुई, ये देखिए स्टाइल्स डॉट सी एस की हुई है ना, ये देखें क्या नाम रखा हुआ है, इसको आप लॉग इन स्टाइल कर दें, लॉग इन स्टाइल डॉट सी एस एस, सही है, सेव कर लें। इसका आपने क्या नाम रखना है, मुझे चाहिए कि मैं ज्यादा मेहनत यही से कॉपी करूं और यहां पे आके मैं कंट्रोल एस में क्या कर दूं, लॉग इन स्टाइल डॉट, सही है। अब मैंने सबको सेव कर लिया, मैं दोबारा पीछे जाकर यहां जाकर रिफ्रेश करने की, तो मैंने देखा कि किसी हद तक हो चुका है लेकिन अभी भी मेरा पेज वैसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसका जो बिल्कुल पहला स्टाइल होगा वो नहीं हुआ, खैर तो बहरहाल अभी इसको मजीद अपडेट करते हैं। ये असल में कैसा था, ऐसा ही था, अच्छा ऐसा ही था, मैं समझा शायद इसकी कोई चीज हमने मिस कर दी है। अच्छा खैर ये देखिए ये वाला भी खूबसूरत है, अब आप ये करना चाहें तो मुझे बताएं कर लेंगे। अगर आप नीचे आए तो इसके बड़े खूबसूरत टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, साइन इन फॉर्म कितना खूबसूरत है, ये वाला सारे लॉग इन फॉर्म है ना, और भी अगले नेक्स्ट पेज पे अगर आपको ये वाला पसंद है तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे जल्दी से मुझे बताएं, बस आसान से कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, क्या नाम है इसका, लॉग इन टू डॉट, अब दूसरी फाइल पे क्लिक करेंगे क्विक सा, यहां पे आएंगे सीएसएस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, इसका नाम नहीं पता क्या रखना है, इसका आप नाम रखेंगे नहीं है, हम खुद लिंक कर लेंगे, क्या ख्याल है? आप इसका नेम रख दें कंट्रोल एस में माय
css.css, ठीक है, ये हमने इसको सेव कर लिया। अब यहां पे इसको मैं एक दफा लॉगिन को चेक कर लूं कि नजर कैसा आ रहा है, तो मैं बैक किया, रिफ्रेश किया, तो क्या नाम था इसका, तो जाहिर है कि वो ये कुछ अजीब सा हो गया। ओहो, कोई बात नहीं, अब CSS को हमने लिंक करना है, क्या ख्याल है? तो CSS को अगर यहां पे आप मुझे बताएं और मैं लिंक कर लूं तो क्या ख्याल है यहां पर? एक देखो CSS कहां लिंक की हुई है, देखने दो जरा, स्टाइल शीट, ये लिंक करना मुझे सिखाएंगे, हाँ करता हूँ। इसका नाम क्या रखा है हमने, सही है, यहां पे क्या लिखूंगा, सही है, चलो इसको देखते हैं क्या हालात हैं इसके। दोनों एक ही फोल्डर में बस होना जरूरी है, बाकी खैर है जनाब, ये वर्केबल है, ऐसा नहीं है कि ऐसी तस्वीर है, ये देखें, मैंने इसका साइज बहुत छोटा किया था इसलिए ऐसे था, ये 125, तो आपने देखा कि से लिंक भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब आपको जिस तरह का कहां गया ये, अब आपको जो भी लॉगिन, अब इवन कि अगर आपको लॉगिन फॉर्म जो भी पसंद है आप वहां पर जाएं, काफी खूबसूरत हैं, आप उनको क्या करें, अब आप कहें मैंने आपको ये बात क्यों बताई, मुझे तो नहीं बतानी चाहिए, देखिए मैंने आपको HTML CSS पढ़ा दिए, अब आप उसको एडिट करेंगे, अब आप ये फॉर्म में कल आऊंगा नेक्स्ट टाइम, आपकी वेबसाइट एक लॉगिन फॉर्म होगा खूबसूरत सा, चीज चेंज किया हुआ, डॉट एक्सेल कहूंगे उस ऑप्शन से, आपने तीन लगाए हो, इसको साइड पे किया हो, यहाँ पे किया हो, तो ये आपका एक लॉगिन फॉर्म होगा। जब आपकी वेबसाइट का एक लॉगिन फॉर्म होगा तो डेफिनेट सी बात है, अब यहाँ पे आप जाके आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप लॉगिन, के बाद आप लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब आपको सिर्फ मिलेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, ये देखिए आपको जो पसंद है बेशुमार हैं, आप वैसा वाला, ये मसलन ये वाला आपको अच्छा लग गया, अब आप क्या करेंगे, ये देखें चल रहा है, हायर का ऐसा ये लहदा है, इसका प्रीव्यू चल रहा है, आप HTML में जाएंगे, CSS, चलो एकदम एक ही वेबसाइट पर रुके हुए हैं, क्यों ना किसी दूसरी वेबसाइट पर जाएं, ये बूटस्ट्रैप भी कोई और वेबसाइट है, इस पर देखते हैं कैसे फॉर्म है, ये भी अच्छा लग रहा है, नहीं ये भी अच्छा है, तो अब आप समझ तो गए हैं ना, कॉपी पेस्ट करने में तो वैसे भी आप, शो कोड देख रहे हैं आप, कर लेंगे नहीं, इससे अच्छे भी आप सर्चिंग में तो बहुत माहिर हैं, तो अब आपने नेक्स्ट क्लास में जो आना है तो अब आपने देख लें ये वेबसाइट से अच्छे अच्छे लॉगिन फॉर्म्स, और अपनी आपकी वेबसाइट नेक्स्ट टाइम जो आपका फाइनल का प्रोजेक्ट है उसका बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट, उसका लॉगिन फॉर्म और उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार होना चाहिए, आसान है ना, जो आपका प्रोजेक्ट है वो कैसा वो नहीं पता, आप लिखिएगा बूटस्ट्रैप